अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बना रहे हैं मुगलई शाही पनीर विद वाइट ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत आसान सी रेसिपी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे क्यूब में कट कर लिया है। और इसमें 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है और 1 चुटकी शाहजीरा, वाइट पेपर पाउडर है, गरम मसाला और कसूरी मेथी 1 टीस्पून, पिसा हुआ प्याज, एक बड़े साइज का प्याज को हमने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, आपके पास अगर मलाई दूध का हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे है 2 चम्मच दही, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और ये है आपका काजू और हरी मिर्च, ये डाल के मैंने इसे पेस्ट बना लिया है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें शाहजीरा, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग इसे डाल के थोड़ा सा इसे चटकने देना है। अब इसमें पिसा हुआ प्याज इसे डाल देना है, बिस्मिल्लाह, इसे डाल के अच्छी तरीके से भूनना है हाई फ्लेम पे चलाते हुए ताकि इसका कच्चापन जल्दी से ख़त्म हो जाए। प्याज हमारा भुन चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन इसे भी डाल के अच्छे से मिला लेना है और भून लेना है। अदरक लहसुन प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है, अब इसमें दही डाल देना है और चूल्हे की फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो दही फट सकता है। और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना। अब इसमें काजू का पेस्ट और हरी मिर्च इसे डाल देना है और इसे भी 1.5 से 2 मिनट भून लेना है। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, अब इसमें क्रीम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है मीडियम फ्लेम पे। सारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। सारे मसाले आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर उस हिसाब से ले लें। 1 चम्मच डालेंगे शुगर, इससे इसका जायका और भी ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू। अब इसमें पनीर डाल देंगे, पनीर को हमने हल्का सा सेक लिया था 1 चम्मच घी डाल के ताकि इससे इसका चिपचिपापन निकल जाए। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेना है और इसमें पानी डालेंगे, कसूरी मेथी, गरम मसाला और वाइट पेपर पाउडर इसे डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें पानी डाल देना है 1 कप। अब इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के 4 से 5 मिनट पकाते हैं, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो पनीर जो है वो थोड़ा सख्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा शाही पनीर बिल्कुल रेडी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इस वक्त हम इसमें 1 चम्मच क्योरा वाटर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बटर भी डाल सकते हैं। इसकी थिकनेस एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त बना है हमारा मुगलई शाही पनीर। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये। थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।